जीवाजी यूनिवर्सिटी के बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे थे, बड़े बच्चे थे कॉलेज के। उनके सपोर्ट में एक छात्र नेता वहाँ पहुँचे और वो उस कॉलेज में पहले पढ़ चुके थे, जीवाजी यूनिवर्सिटी में, अब नहीं पढ़ते थे। वहाँ पर डीएम साहब पहुँच गए। डीएम साहब ने किस तरह छात्र नेता की क्लास लगाई है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, देखते हैं चलिए। परमिशन से अंदर घुस के यूनिवर्सिटी के भीतर चिल्ला रहे हो, छात्र अधिकारियों की बात कर रहे हैं भाई। क्या छात्र अधिकार की ऑनलाइन एग्जाम को लेकर छात्र? कौन ऑनलाइन की बात कर रहा है? बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं शिवराज सिंह यादव हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ, प्रिंसिपल अध्यक्ष हूँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? इधर आओ, नीचे आओ। मैं बीबीएमबी का मास्क लगा, बीबीएमबी कर चुका हूँ। बीबीएमबी कर चुका, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हो? मैं स्टूडेंट लीडर हूँ सर। अरे स्टूडेंट लीडर हो जो भी, अभी यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बीबीएमबी जीवाजी से किया है। जिसने कर लिया, एक स्टूडेंट को आने की अनुमति नहीं है। जो मैं छात्रों का नेतृत्व करता हूँ, अरे मुझे समझ में आ गया, तुम छात्रों यहाँ कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं ये बताओ पहले। सभी पढ़ रहे हैं, जिसको तकलीफ है वो बात करेंगे, ऐसे लोग बात नहीं करते। जिसको दिक्कत है जो पढ़ रहा है केवल उसी बात करेंगे, आप लोग बात नहीं करते। हटो, हाँ बताओ कौन पढ़ाई कर रहा है उसी से बात। यहाँ पर कौशल विक्रम सिंह बीच में आ गए हैं स्टूडेंट्स के। एमएससी कर रहे हो? कौन से सब्जेक्ट से? एमएससी में क्या क्या है सर, कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री कर रहा हूँ। केमिस्ट्री से कर रहे हो? अच्छा, तो क्या चाह रहे हो? कल के हमारे वो पहले ऑनलाइन पेपर थे, फिर ना टेंथ कर दिए, अप्लाई कर दिए वो पेपर, ठीक है, और ना टाइम टेबल निकाल दिए, कल दे एग्जाम है, ठीक है। टाइम अप्लाई कर, तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई? घर में पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? जल्दी नहीं हो पाई ना। नहीं नहीं, तो घर में पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? कर रहे थे ना ऑफलाइन, वो तो इन्होंने आज कर दिया। आपका सब्जेक्ट कुछ तैयार नहीं था क्या? अभी कर, इतनी जल्दी दिखाओ अपना सब्जेक्ट, दिखाओ सिलेबस, दिखाओ मुझे, दिखाओ सिलेबस। नहीं मोबाइल पे नहीं, ऐसे याद है सिलेबस। पूछूं मैं सवाल जवाब, बताओगे? पूरी मीडिया को लगा के पूछते हैं क्या क्या पढ़ाई की है ऑफलाइन? नहीं, केवल नेतागिरी कर रहे हो कि कुछ पढ़ाई कर रहे हो पहले? कौन सा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? कितनी एज हो गई? एमपी पुलिस का पेपर आया था, एमपी पुलिस का। और एमएससी पढ़े हुए व्यक्ति को एमपी पुलिस में कौन से पद के लिए चलना है अभी? अरे कौन से कांस्टेबल के लिए? एमएससी केमिस्ट्री के आदमी को साइंटिस्ट बनना चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, अच्छी एग्जाम निकालनी चाहिए कि कांस्टेबल बनोगे? बताओ एमएससी, आप बताओ क्या, सुनो पहले आप बताओ क्या पढ़े हो, कौन से क्लास में हो? मैं एलएलएम कर चुका हूँ। एलएलएम कर चुके हो? पीजीडीसी कंप्लीट हो गया? पीजीडीसी चल रहा है मेरा। आप पीजीडीसी कर रहे हो? एलएलएम करने के बाद पीजीडीसी कर रहे हो? चल रही है संजय शर्मा जी की। कहाँ? संजय शर्मा जी की। कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब किस एडवोकेट? संजय सर हाईकोर्ट में कर रहे हो कि उसमें? हाईकोर्ट में, अभी ओल्ड हाईकोर्ट में कर रहे हो? अच्छा, क्या स्पेशलाइजेशन क्या है? अभी केवल उनके वहाँ बैठना शुरू किया। स्पेशलाइजेशन बताओ यार, किस चीज में, उसमें क्या? क्रिमिनल के उसमें मैं कर रहा हूँ। क्रिमिनल में किया हुआ है? तो चलो ये अगर ऐसे चार लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कौन 144 का उल्लंघन? नहीं, धारा 144 नहीं है, धारा 144 तो कलेक्टर लगाता है, धारा 144 तो धारा 144 लगी नहीं है। इलीगल अगर जमावड़ा होता है तो कौन सी धारा लगती बताओ? इलीगल जमावड़े की धारा। सुनो सुना रहे, पहले इन लोग पढ़े क्या है? मैं भी पढ़ाई किया हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इसलिए पूछ तो लो, पहले पूछ तो ले कितना पढ़ाई लिखाई करके ये लोग आए हुए हैं। सुनो मुझे छेड़छाड़ आ रही है। अरे चुप रहो यार, पहले तुमसे बात की, पहले हम देख ले, सुनो पहले, साथ देने एकदम नहीं आया, हम देखने आए कितनी पढ़ाई करके बैठे हो तुम लोग। पढ़ाई की नहीं तुमने घर पे? जब ऑनलाइन एग्जाम की बोला था, सुनो देखिए, चलो भाई सब लोग रिकॉर्ड करो इनकी बात। ये कह रहे हैं हमने पढ़ाई नहीं की ऑनलाइन, नहीं सुनो, हमने तो बोली नहीं, हमने पढ़ाई नहीं जो ऑनलाइन, सुनो पहले आप मत बोलो, सुनो आप उनको सर दबाव में डाल रहे हैं, सर आप दबाव में डाल रहे हैं। सुनो अब आप लोग सुनो, उसको ले जाओ थाने, ले जाओ थाने, पकड़ के बंद करो उसको जेल के भीतर। सुनो सुनो, मैं साथ देने नहीं आया, मैं देखने आया हूँ तुमने पढ़ाई कितनी की है यूनिवर्सिटी। आपके पिताजी पढ़ा रहे ना यहाँ पे, आपके पिताजी फीस दे रहे ना, हमारा साथ नहीं दोगे? नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। सुनो पहले, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पिताजी पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि अच्छा नॉलेज गेन करो, अच्छी न, मैं पढ़ के, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने 2007 में अपना पीजी किया और 2008 में सिविल सर्विसेज निकाल दी। क्यों? तो ये था एक वीडियो जिसमें दो पक्ष दिखाए गए, एक छात्र नेता और बच्चे और एक डीएम साहब। तो एक अधिकारी जब स्ट्रांग होता है, जब वो अधिकारी जानता है कि किस तरह बच्चों की साइकोलॉजी को, उन्होंने पूछा तुमने पढ़ाई करी,
क्या आता है तुम्हें केमिस्ट्री में, सिलेबस नहीं याद है, मोबाइल देख के नहीं बता सकते बिना मोबाइल देखे। तो डीएम साहब ने बहुत जल्दी सारा माहौल कंट्रोल कर लिया। छात्र नेता वहाँ पढ़ते नहीं थे, पूर्व छात्र थे, काफ़ी एज भी लग रही है उनकी। तो किस तरह एक अधिकारी कंट्रोल कर सकता है दंगों को भड़कने से, इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया है। हालांकि थोड़ा सा मुझे व्यवहार लगा थोड़ा सा कि बच्चों के प्रति और उनके प्रति पोलाइट होना चाहिए था डीएम साहब का भी। और ये बात भी उन्होंने कही कि जब आप एमएससी हो केमिस्ट्री से, तो आप पुलिस के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो सरकारी नौकरी का क्रेज इतना है कि पुलिस कांस्टेबल तो बहुत बड़ी पोस्ट है, लोग चपरासी के लिए पीएचडी लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए एग्जाम जानकारी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।